बिग बॉस 16 के फिनाले होने में 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। 12 फरवरी को बिग बॉस 16 का विनर घोषित किया जाएगा। बिग बॉस के घर में टॉप 5 के लिए जंग इस हफ्ते खत्म हो सकती है। हालांकि टॉप 5 के लिए एक सदस्य ने अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि जैसा आप सोच रहे हैं कि ये उन दमदार कंटेस्टेंट्स में हैं जो चर्चाओं में हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल टॉप 5 की पहली कंटेस्टेंट्स निमृत कौर बनी हैं, यानी टिकट टू फिनाले वीक में निमृत कौर ने बाजी मार ली है। निमृत कौर बिग बॉस 16 की आखिरी कैप्टन घोषित हो चुकी हैं। जैसा कि बिग बॉस ने कहा था कि अगर निमृत अपनी कैप्टनसी बचाने में कामयाब हो जाती हैं, तो वह टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में होंगी। तो अब ऐसा ही हुआ है। नए हफ्ते में कैप्टन बनने की जंग शुरू हुई तो हर बार की तरह इस बार भी खूब हंगामा हुआ। टास्क के दौरान एमसी स्टैन और प्रियंका के बीच जमकर तूतू मैमे हुई, जिसका फायदा निमृत कौर को मिला। बिग बॉस ने इस झगड़े के बीच निमृत कौर को आखिरी कैप्टन घोषित करते हुए उन्हें टिकट टू फिनाले के लिए सुरक्षित कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 अक्टूबर 2022 को बिग बॉस 16 शुरू हुआ था। अब फरवरी 2023 में 4 महीने बाद इसका फिनाले दिखाया जाएगा। ये सीजन 3 महीने के लिए बनाया गया था, लेकिन शो की पॉपुलैरिटी के कारण इससे 1 महीना आगे बढ़ाया गया। बिग बॉस 16 में फिलहाल 7 कंटेस्टेंट्स हैं। सुम्बुल तौकीर, शालीन भनोट, शिव ठाकरे, निमृत कौर, अर्चना गौतम, एमसी स्टैन और प्रियंका चहर चौधरी बचे हैं। इनमें से निमृत टॉप 5 में पहुंच गई हैं, बाकी 4 की दावेदारी अगले हफ्ते सामने आ जाएगी।